सुधार देगा, 50% बेच दिया, 50 बच रहा। हम तो गांव में रह रहे, हमें दिल्ली जाकर पता चला इन्हें जहाज रेल तेल सब बेच दिया। अरे शहर वाले जब भी आ जाते लठले के सड़क पर तो रुक तो जाता, ये उसमें यक्का घोड़ा किसान नहीं पकड़ा, किसान नहीं नाथ पकड़ ली इसकी घोड़े की, कह सुन हम तुझे रोकते ही रोक दिया, अब नहीं कुछ भी करने देगा किसान, अब तो ठीक ठीक करेगा इसे। अच्छा सहयोग किया उन्होंने, सबका धन्यवाद। क्या यहाँ पे कुछ योजना थी यात्रियों को, यात्रियों के लिए हम जो है वो लाए थे, मिठाई भी लाए थे, छाछ भी लाए थे, चाय का भी इंतजाम था। ऐसे ही आ करते रहे, अरे लोकतंत्र का देश है, ईमानदारी की करते पत्रकारिता तो तुम्हें सम्मान मिलता। आज जो टीवी दिखता है, हम घर पहुंचते हैं, दिखता बदल, टीवी बदल, दूसरा लगा या खेल लगा, इससे टीवी की इमेज बहुत खराब हुई है। बताया जा रहा है 4 घंटे का आपका जो था ये काफी शांतिपूर्ण रहा, ऐसे और जगह से आपको क्या खबर मिली, क्या कैसा रहा? पूरे देश के अंदर शांति पूर्वक आंदोलन, पहली बार देश में ऐतिहासिक, पूरे देश के अंदर किसी भी पटरी पर एक भी ट्रेन नहीं चली, ऐसा शांति पूर्वक आंदोलन शायद मैंने पहली बार देखा। तो क्या कहते हैं वहाँ से, आप गाजीपुर बॉर्डर में जाए तक टाइम रहते हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, क्या लगा कैसे यहाँ का जो एक तरीके से जो इस तरीके से पुलिस के साथ आपने कोऑर्डिनेट किया, कैसा रहा माहौल पूरा? बहुत अच्छा रहा, प्रशासन का भी अच्छा सहयोग मिला, शांतिपूर्वक प्रशासन लगा था कि कोई असामाजिक तत्व ना घुस जाए, तो वो बहुत अच्छा सहयोग किया उन्होंने, सबका धन्यवाद। कि क्या यहाँ पे कुछ योजना थी यात्रियों को, यात्रियों के लिए हम जो है वो लाए थे, मिठाई भी लाए थे, छाछ भी लाए थे, चाय का भी इंतजाम था, गुड़ भी लाए थे, सबको देना था, लेकिन सरकार ने ट्रेन ही बंद कर दी पहले ही, ट्रेन ही बंद, तो जो यात्री थे उनको दे दिया। कितने बजे यहाँ ट्रेन आने वाली थी वैसे? वैसे तो आती रहती है, दो कम से कम दो ट्रेनें आनी थी, लेकिन दो नहीं आई, एक भी नहीं आई, मालगाड़ी भी रोक दी, तो चलो कोई बात नहीं, जो यात्री प्लेटफार्म पे थे। सर सारी जो सरकार के ऊपर आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो क्या लग रहा है कि मतलब कि सरकार क्यों अभी तक नहीं सुन रही आप लोगों की बात? देखिए जब मैंने बहुत प्रधानमंत्री देखे देश के, लेकिन सबसे नालायक तानाशाह प्रधानमंत्री ये पहला है, तो इसे थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं। जिस तरीके से डॉक्टर इलाज करता है ना हॉस्पिटल में, तो पहले एक जांच कराता है, दूसरी कराता है, हम भी देख रहे हैं, तो ये हमारी वही रणनीति है, अभी आंदोलन के चल रहे हैं, जब नहीं होगा तो सिटी स्कैन कर देंगे इसका पूरा। तो क्या लगता है कि मतलब अब आगे आने वाले समय में और भी ऐसे आंदोलन होंगे? हाँ ये तो पढ़ता है, अभी आंदोलन ये क्या खत्म हो रहा, यही चलता रहेगा, अभी तो देखते रहो, सरकार को कहो तेल देख और तेल की धार देख। तो सरकार से आप क्या यहाँ से अपील करना चाहेंगे, ये जो आप लोगों का जो आज था उस के बारे में उसको लेकर के अब अपील क्या करना चाहेंगे? मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा, किसान इस बार ऐसा इतिहास लिखेगा, सरकार को पढ़ना मुश्किल होगा। और यहाँ पर आज एक इनकी योजना थी जो ट्रेन जो यहाँ पर आपने रोका, ये किस तरीके से सफल हुआ आपको क्या लगता है? सफल नहीं हुआ, फसल सफल का भी पिताजी, उसका कारण है सरकार ने ट्रेन न भेजी हमारी, जबकि तैयारी पब्लिक को नुकसान तंग करने की नहीं थी, हमने मालाएं मंगा रखी थी, फूल मंगा रखे थे, संतरा मंगा रखा था, केला मंगा रखा था, गुड़ मंगा रखा था कि हम यात्रियों को खिलाएंगे, बच्चों को टॉफी देंगे और उनका स्वागत करेंगे, फिर उन्हें आराम से भेज देंगे। तो 3 महीने हो गए आपको गाजीपुर डटे हुए और यहाँ पर इस तरीके से चक्का जाम और रेल रोकना ये सब आप कर रहे हैं, लेकिन सरकार की क्या लगता है कि सरकार आपकी बात सुन रही है? देखो बीमारी डॉक्टर का जब मरीज जावे हाथ सीधी नहीं आती, टेस्ट करावे पहले पीलिए का, फिर टाइफाइड का, फिर वायरल का, हम भी टेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से मानने की, या सरकार बता दे कि ऐसा आंदोलन कर दो एक दिन पूरे देश में, हम मान जाएंगे, ऐसा ही कर देंगे, नहीं तो हम नए नए तरीके अपना रहे शांतिवादी आप तरीके से गांधी के देश में अपने आंदोलन करके सरकार तक मैसेज पहुंचाने का, परंतु सरकार दिल्ली में नहीं रहती, हम गलत जगह पहुंच गए, बंबई जाना चाहिए, बंबई रहती है सरकार, सरकार का रिमोट बंबई धरा, कौन कौन वहां से कंट्रोल कर रहा है? अंडा दानी अंबानी, दो हम दो हमारे दो, 4 आदमी देश देख रहे हैं। तो ये जो बातचीत का सिलसिला था वो भी कहीं ना कहीं बंद हो चुका है, आपको क्या लगता है कि अब बातचीत करनी चाहिए सरकार को? सरकार को तो बहुत पहले आप कर लेनी चाहिए, पहले दिन का ही काम था, लेट कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, जितना आप गलत करेंगे आक्रोश किसान का बढ़ता जाएगा, एक एक दिन ऐसा होगा सारा किसान सड़कों पे होगा, पैदल दिल्ली मार्च करेगा, अरे ट्रैक्टर को तो बता रहे हो आतंकवादी का ट्रैक्टर है, पैदल तो नहीं रोकोगे, हाथ में कैंडल होगा, एक हाथ में तिरंगा होगा, दिल्ली के लिए सारी जनता कुछ करेगी, तब मानेंगे, मानना पड़ेगा। मतलब आपके हौसले उम्मीद आपकी है कि मतलब कि सरकार कहीं ना कहीं से सुनेगी, हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, आपको लगता है? मानना पड़ेगा सरकार को। देखिए सरकार के पिताजी की फैक्ट्री नहीं है देश,
इस जनतंत्र का देश है, लोकतंत्र का देश है। शुरू से ही आपके आंदोलन को जिस तरीके से दिखाया गया मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे हर जगह दिखाया गया कि जो है इसमें किसान ही नहीं है, पहले तो ये माना गया, फिर आपको जो है किसान कहीं कहीं दिखाया गया, कुछ किसान है, सीमित लोग हैं, तो कैसे? एक बात बताओ, जब इस देश की मीडिया दाढ़ी से मजबूत उसे राफेल से भी ज्यादा ताकतवर दाढ़ी को दिखा सकती है, टीवी पे दिखा रहे थे दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान, जब फिर राफेल की क्या जरूरत थी भाई? जब इस देश का मीडिया राफेल से बड़ी ताकतवर दाढ़ी बता सकता है तो ये किसान के लिए झूठ बोलने में तो इन्हें पैसे मिले हैं, तो अपना काम कर रहे हैं। हमारे गांव में वह रह करे वाला नाचने वाले नट, ये नट से भी गए गुजरे हैं, पैसे लें, आज के जितने पैसे लेंगे उतना चीज दिखाएंगे, जैसे डायरेक्टर है ठुमका भी वो बतावा कितने एंगल का लगेगा, ये तो इनके तो डायरेक्टर वहाँ बैठे हैं सरकार में, उस मीडिया को तो सात पुस्ते गाली देंगी कि पैसे लेकर कितने में ईमान बेचा तुमने, ऐसे ही आ करते रहे, अरे लोकतंत्र का देश है, ईमानदारी की करते पत्रकारिता तो तुम्हें सम्मान मिलता। आज जो टीवी दिखता है, हम घर पहुंचते हैं, दिखता बदल, टीवी बदल, दूसरा लगा या खेल लगा, इससे टीवी की इमेज बहुत खराब हुई है। अगला अगर ये नहीं माने, ये चीन की तरह अगला कानून इस टीवी पर आएगा कि ये दिखाओगे जो हम कहेंगे, ये चीन बनेगा देश, चीन ऐसा कानून लाएगी है आप सरकार। कलम और कैमरे पर बंदूक का की नाल रखी है, बंदूक का पैरा है, बंदूक से चल रहे हैं, जो वे कह रहे हैं उन्हें ये आप करना है, ये लोकतंत्र की हत्या कर दी उन्होंने इस देश में। ये धरनों को तुड़वाएंगे अपने गुंडे भेज के, ये धरनों में बताएंगे आतंकवादी, ये कभी बताएंगे पाकिस्तानी, जो आंदोलनकारी काम करते हैं वो ये सरकार कर रही है। किसान को दो काम करने पड़ रहे हैं, आंदोलन भी चलाना है और इन 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 गुंडों को भी देखना कि गुंडे हमारे आंदोलन को ख़राब ना कर दें। किसान रात को जागता है ड्यूटी बना के 10 जगेंगे 10 सोएंगे, किसान को दो काम करने पड़ रहे हैं, सरकार पर नज़र और अपना आंदोलन। कितने यहाँ पे किसान इकट्ठे हो गए थे आपको क्या लगता है? कई सौ आप किसान थे, और वो भी हमने केवल व्हाट्सएप पे आह्वान किया था, हम भी नहीं चाहते ज़्यादा पब्लिक आए और परेशान हो, क्योंकि आंदोलन 6 महीने चलेगा कम से कम। यात्रियों से भी हमने बात की, उनका कहना है कि जो है वो यहाँ पर हम लोगों को जितनी परेशानी हुई उससे ज़्यादा तो परेशानी जो है बॉर्डर पर जो बैठे हुए लोग हैं उनको। हाँ, सारा देश की भावना आप किसान के साथ है। अभी देखो किसान वो जानते हैं ये आंदोलन हमारा, किसान अपने लिए करा, किसान तो एक दिन लुटेगा, जनता हर रोज लुटेगी, हर रोज अंबानी की पोलिथीन में 150 रुपये किलो आज 500 ग्राम में मिलेगा, 75 रुपये 500 ग्राम, 250 ग्राम 35 रुपये, ये ग्राम में बेचना चाहते हैं आटे को, ग्राम में ये आटा वहाँ बंद हो गया तो देश की जनता भूखी मरेगी, भूखी। जब महंगाई को लेकर के मोदी सरकार कह रही है कि ये पिछली सरकारों ने जो किया उसी का नतीजा है, इसीलिए जो है पेट्रोल डीजल ये सब महंगा हो रहा है। देखो ये जब ये एक बार 1.5 रुपये लीटर डीजल मंदा हो गया देश में, इस देश का झांसा राम प्रधानमंत्री बोलता है देखो मोदी का नसीब मंदा हो रहा है, 150 में नाच रहा था और अब 100 पे कुछ नहीं बोल रहा, ये इनके ये जुमलेबाज सरकार है, खराब करें कोई करो इस देश में भरेगा कल्लू, जो भी गलत काम करेगा कांग्रेस का नाम ले देंगे, अरे होता मिट चुकी मर चुकी भग चुकी है सर कांग्रेस, काम बची बिचारी, वे होती तो हम थोड़ी होते, ये उसका नाम ले दें कि खराब काम हुआ राहुल ने कराया होगा, ये ऐसा ना हो ये बाढ़ पाड़ आवे उसमें भी कह लगेंगे राहुल की वजह से आई है, सूखा पड़ गया राहुल की वजह से पड़ गया, इन पर जवाब नहीं है कुछ और, ये राहुल का नाम इन्होंने लिया रट नू कहा 65 साल में क्या किया, तुझे नहीं तो लाए थे ठीक कर देगा, ऐसा ठीक कर दिया आधा देश सुधार दिया आधे को और सुधार देगा, 50% बेच दिया 50 बच रहा, हम तो गांव में रह गए, हमें दिल्ली जाकर पता चला जहाज रेल तेल सब बेच दिया, अरे शहर वाले जब भी आ जाते लठले के सड़क पर तो रुक तो जाता, ये उसमें यक्का घोड़ा किसान नहीं पकड़ा, किसान नहीं नाथ पकड़ ली इसकी घोड़े की, कह सुन हम तुझे रोकते ही रोक दिया, अब नहीं कुछ भी करने देगा किसान, अब तो ठीक करेगा इसे। एक बात बताओ पूरा देश अंबानी को बेच दोगे सरकार की क्या जरूरत है भाई, ये भारत में शर्म नहीं आती, विदेश में बेचती हो रही होगी, अडानी रेल लिख रहा है जहाँ भारतीय रेल होता था भारतीय हटा का अडानी लिखा गया, इन्हें शर्म नहीं आती, ये सब कुछ उनको बेच देना चाहते हैं, और भाई को भाई से आप लड़वाएंगे, जाति का कार्ड खेलेंगे, अब कह रहे जाटों का आंदोलन, अरे वहाँ तेरे फुप्पा ने रेल रोक के बिहार में, आज बिहार में वहाँ डंडा चला डंडा 4 दिन पहले आंदोलन हुआ था, वहाँ भी जाति है, ये जाति का जाति में बांटना चाहते हैं, इनका यू भी कार्ड फेल हो जाएगा 2-3 दिन में, तो कैसे इस मुद्दे का समाधान होगा? आप लोग क्या आगे क्या करने वाले? लंबा चलेगा फिर जाके गाजीपुर जाएंगे। हाँ गाजीपुर आप जा रहे हैं सीधे, वहीं आप अपना खेती करेंगे थोड़े दिन बाद, आटा कहाँ से लाएंगे, वहीं अपना पक्का कच्चे मकान बनाएंगे, टेंट तो बरसात में झेल लिया अगली में कौन झेल लेगा, अपनी झोपड़ी ऊपड़ी डाल लेंगे वहीं अपना इंजाम करेंगे, इन्हें जब मानना हो जब मान लें, जितना बड़ी जितना जल्दी उतना मर्जी जल्दी मान लें, अगर सुप्रीम कोर्ट एक कदम आगे आ जाए तो कल फैसला हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ये कह दे अगला चुनाव आधार से होगा गुट्ठे से,
जब हमारे आधार में पैसे बनते हैं बैंक में, आधार से राशन मिला है, वोट आधार से तो ले लो, सवेरे को दोनों रेस लगाते हुए थक जाओ, चाहे नंगे पर उखड़ू बैठे मिलेंगे ये दोनों बगड़ बिल्ले गाजीपुर बॉर्डर पर। अब किसानों गलती होगी, उल्टा ले रहा हूँ, ये अहंकार ये ईवीएम मशीन का सेटिंग मशीन में है और उसका रिमोट उन पर है, इंजीनियरों का हैंग वे करते हैं। अगला आंदोलन इस देश में इस पे होगा, ईवीएम पे। और अपने गांवों में तो हम अभी से घोषणा कर रहे हैं ईवीएम मशीन को उठा के फेंक के मारेंगे बाहर, हम वोट ना गिरे, हिंसा नहीं करें पर हम वोट ना गिरे, ले जा अपनी को ना गिरते, ये तो हमारे अधिकार में। निकाय चुनाव में जो दिखा असर ये इसी आंदोलन की वजह से, इसी का तो असर है, तो पूरे देश में फैल लेगा ये असर, पूरे देश में फैल लेगा। इन्हें जितनी जल्दी शर्म आनी चाहिए, ये 250 किसान शहीद हो गया, कुछ ठंड में मर गया, कुछ भूखा मर रहा, खेत खाली पड़े, काम नहीं हो रहा, तंग हो रहा, क्यों भाई किसके लिए, ऐसी क्या जिद है, कितना बड़ा एडवांस ले लिया तुमसे, उल्टा नहीं हो रहा। अरे हम किसान चंदा कर देंगे, मुंह तो खोल कितने लिए यार, मुंह खोल कितने लिए, हम किसान चंदा करके दे देंगे, उसका उल्टे दिया पैसे अंबानी के भैया तेरा कानून नहीं चला, इसका कुछ तो सोल्यूशन होगा, कुछ तो रास्ता निकलेगा, कितने ले रखे नू नहीं बोलता, इसका भी रास्ता है हम पे, हम किसान चंदा कर लेंगे, हर बीघे पर जमीन पे पैसे का घेर देंगे कि जैसे जिसके 2 बीघे 200 रुपये, 5 बीघे 500 रुपये, कई 100 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा देश में, तुझे दे देंगे जाकर उल्टा दे, राड तो खत्म हो कंगे से ही। तो कुल मिला जुला के समाधान, थैंक आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कुल मिला जुला कर इनका कहना है कि अभी ये आंदोलन आगे चलेगा, गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं, ये जयप्रकाश मलिक थे जिनसे हमने बात की, लगातार 3 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर वहाँ पर बैठे हुए हैं, और ऐसे ही तमाम किसान जो यहाँ पर आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद अलग अलग बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें शरीक होते हैं, वहाँ पर जाते हैं, बात करते हैं, तो ये देख रहे हैं लगातार इनका ये अपने आप में अडिग हैं कि जब तक कानून, कृषि कानून की वापसी नहीं हो जाएगी तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो देखते रहिए, मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आविदा के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।